वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट विक्की। और गाइज, आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं असैसिन क्रीड आइडेंटिटी। अब गाइज, इसके आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने उस क्रो से पंगा लिया था। वैसे गाइज, वो क्रो नहीं, वो आपको पता ही है, क्रो सोल्जर्स थे जिनकी कैटेगरी क्रो थी। मतलब क्रो जैसे उड़ने वाला एक पक्षी है, उसी तरह गाइज वो भी, मतलब संदेश क्या बोलते हैं इसे, जब भी कोई अलग व्यक्ति की पहचान होती है वो उसके लिए सेना बुला लेते हैं, मतलब रेनफोर्समेंट बुला लेते हैं। अब गाइज, हमारे नेक्स्ट मिशन की बात करूँ तो गाइज, हमें नेक्स्ट मिशन हमारे यहाँ छोड़ दिया गया। वैसे गाइज, मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट की थी, तब थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि गाइज पूरा मिशन मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। बट गाइज, इसमें हमें चेस्ट लूटनी है। वैसे लूटनी नहीं गाइज, वो हमारी चेस्ट है वैसे देखा जाए तो। अब उनमें जो सामान मिलेगा वो हमें यहाँ से लेना है, इस किले से, और फिर लेके यहाँ से चुपचाप निकल जाना है। अब गाइज, निकलने की बात यहाँ हमें एक एजेंट को भी मारना है साथ में, और गाइज एजेंट के साथ साथ यहाँ पर हमें मिलने वाले वोल्व्स। अब गाइज, वोल्व्स की बात करूँ तो हो सकता है वो वेयरवोल्फ हो, जो कि मतलब आधे इंसान आधे भेड़िए टाइप के हो सकते हैं, या फिर वोल्व उसी तरह क्रो की तरह कोई एक प्रकार के स्पेशल सोल्जर्स हो सकते हैं। अब गाइज, उन्हें हमें कंप्लीट करना है, जो कि हमें दो या चार इतने ही मिलेंगे, उन्हें किल करना है। साथ में उस चेस्ट में से सामान भी लेने हैं, और कुछ एजेंट्स को भी किल करना है। अब गाइज, कुछ स्पेशल एजेंट्स को किल करना है। अब गाइज, हम इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ तो चुके हैं, बट गाइज अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम उस साइड किस तरह जाएं। अब गाइज, अब यहाँ इधर उधर वॉक तो कर रहे हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम जा सकते हैं। वैसे गाइज, आपको पता है हमें दो स्पेशल एबिलिटी मिल चुकी है, एक है गाइज ईगल विजन की, और एक है स्पेशल कॉम्बैट, यानी हमारे जो कि फायर या बोले तो हमारी जो पंचेज की स्पीड बढ़ा देती है, मतलब उनकी डैमेज को थोड़ा एक्स्ट्रा कर देती है। बट गाइज, मेन एबिलिटी की बात करूँ तो मेन एबिलिटी हमारी यही है, वो ईगल विजन वाली। इससे क्या होता है गाइज, दूर दूर तक के दुश्मन को, हम इनिमीज को अपने साथ सामने से देख सकते हैं, और जो हमारा मेन टारगेट होता है उसको भी देख सकते हैं। अब गाइज, हमें हमारा फर्स्ट मिशन ये बता रहा है, रीच द शेड्यूल्ड लोकेशन। अब गाइज, जो हमारी मेन लोकेशन है हमें वहाँ पहुँचना है, बट गाइज थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ कैसे पहुँचे। अब गाइज, वैसे चल तो रहे हैं, बट गाइज रास्ता पता नहीं चल रहा किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। बाकी गाइज देखते हैं, देखेंगे तो पता चल जाएगा। और गाइज, यहाँ पर कुछ सोल्जर्स खड़े हैं, और जिन्हें मारना तो बनता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आपको पता है हमारे असैसिन्स का मारने का स्टाइल इतना अलग है कि मारे बिना रहा नहीं जाता है। वैसे गाइज, ज़्यादा डीप में मत जाना, और कमेंट में कुछ मत बकना, आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ के बारे में बात बोल रहा हूँ। बट कोई नहीं, अभी चलते हैं सीधा, और सीधा चलते गए, हमें अभी रास्ता तो मालूम है नहीं, तो गाइज हमें थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा। वैसे गाइज, हम दीवार टाप के तो जा नहीं सकते हैं, वैसे मैंने सोचा यहाँ से दीवार टाप के चले जाएंगे, बट देखते हैं। अब मुझे लगता है गाइज कुछ यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिन्हें हमें मारना ही होगा, बट कोई नहीं गाइज, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। और वैसे ये मैसेज तो गाइज आते रहते हैं, उनका क्या, वैसे मैंने एक दो ग्रुप को बंद नहीं किया था अभी भी गाइज, भूल गया सॉरी, उस वीडियो में बोला तो था बंद कर दूंगा, बट कोई नहीं गाइज, उनको हम बाद में बंद करते रहेंगे। पहले गाइज यहाँ से उस लोकेशन पर जाने का तरीका देखते हैं। और गाइज, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, और पता नहीं ये सोल्जर्स भी हमारे पीछे पड़ चुके हैं, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या न करें। अभी तो गाइज यहाँ से सामने ही चलना पड़ेगा, और देखते हैं। और एक ये ईगल विजन गाइज, ईगल विजन की सबसे घटिया और नेगेटिव पॉइंट्स ये है, जैसे भी हम थोड़े बहुत उल्टे दुलटे या मतलब ऊपर नीचे कूदते हैं ना, ये अपने आप बंद हो जाता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ भी कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है, और गाइज सामने एक सोल्जर्स भी खड़े हैं जहाँ तक मुझे पता है, और गाइज आप मैप में भी देख सकते हो रेड मार्कर वहाँ आ रहा है। अब गाइज, इसे मारना तो वैसे पड़ेगा ही, और मारने के लिए हमें इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा कन्फर्म। और गाइज ये अलर्ट हो गया तो इसे तलवारबाजी करनी पड़ेगी, और गाइज देखो मैंने क्या कर दिया, मतलब सीधे साइलेंटली किल कर सकता था, बट कोई नहीं गाइज, साइलेंटली किल नहीं हुआ, अगले टाइम कभी साइलेंटली किल करेंगे। अभी गाइज यहाँ से वैसे छुपने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि गाइज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वैसे भी ईगल विजन है। बट गाइज, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एनिमीज़ हो जाते हैं, और गार्ड्स हमारा पीछा करना छोड़ देते हैं। बट कोई नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं गाइज सीक्रेट लोकेशन कहाँ पे है। वैसे गाइज, मुझे लगता है मुझे ये पार्ट स्किप कर दूँ क्या थोड़ा बहुत, जिससे आपके भी थोड़ा टाइम का फ़ायदा हो जाए। वैसे देखते हैं गाइज, अभी सीक्रेट लोकेशन मिल ही जाएगी। वैसे गाइज, यहाँ पर ये बोन फायर जग रही है जैसा कि आपको पता होगा, और गाइज यहाँ पर हम सर्दियों के टाइम में तप सकते हैं। तप सकने का मतलब ये है कि हम क्या बोलते हैं, हाथ गर्म सेक सकते हैं। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पर सर्दियाँ नहीं पड़ रही है, कुछ दिनों बाद स्टार्ट होगी तब इस बोन फायर का काम मिलेंगे, अभी तो गाइज ऐसे ही ठीक है, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ मतलब मिड रेंज की सर्दी है। वैसे भी गाइज दिवाली आने वाली है तो क्या बताएं। अबे यार, इस गार्ड को पता कैसे चल जाता, अभी क्या बोल रहा है, ये बुला रहा है या किसी को, बुला ले जिसको बुलाना, अभी तेरी तो हम बैंड बजाने वाले हैं। वैसे गाइज, इसकी बैंड हमने बजा दी है जो कि हमें बजानी भी चाहिए थी। और गाइज मुझे लगता है घूम फिरा कर वापस उसी जगह पर आ गया हूँ, पता नहीं चल रहा। वैसे यहाँ ऊपर जा सकते हैं ना, वैसे ऊपर जाने का कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, पता ही नहीं गाइज कैसे जाना है। और गाइज हाँ, मुझे लगता है
इस बार यहाँ से ऊपर जाके हम उस सीक्रेट लोकेशन पर जा सकते हैं क्या? हाँ तो गाइज वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और गाइज सामने आप देख सकते हो वो फोर्ट अभी भी सामने है, मतलब हमारी सीक्रेट लोकेशन अभी आई नहीं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये गार्ड्स, मतलब कितने सारे गार्ड्स हैं। और गाइज मैं पहले क्या सोचता था, ईगल विजन से गार्ड्स हमें देख नहीं सकते। गाइज ईगल विजन से गार्ड तो हमें देख सकते हैं, बट ईगल विजन का फ़ायदा ये होता है कि हम उन्हें मतलब स्पेशली देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कौन क्या कहाँ पे है। बट कोई नहीं गाइज, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। वैसे गाइज मैंने आपको ये जगह नहीं बताई होगी, बट गाइज ये अलग जगह है, और गाइज शहर का नाम तो खुद मैं भूल गया कौन सा था। वैसे मुझे शुरुआत के मिशन में देखना तो चाहिए था, बट गाइज न तो ये मोंटेरिजिनी है न ये फायरेंज है, ये एक अलग टाइप का शहर है गाइज, अब उससे हमें मतलब नहीं है। वैसे देखा जाए तो अभी हमें अपने मिशन से मतलब है, और मिशन से मतलब रखने का मतलब क्या बताऊँ अब। और गाइज यहाँ पर सोल्जर्स तो इतने सारे है कि हमें फाइट ले ली तो अगर सब एक साथ आगे तो गाइज हमारी बैंड बच सकती है, बट गाइज कोई नहीं, अभी हम प्रो गेमर्स हैं तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और गाइज क्या क्या स्ट्रक्चर बना रखे हैं इन्होंने पता ही नहीं चलता, और उस गार्ड्स ने वापस देख लिया यार, क्या ये गार्ड्स क्या खा के आए। और गाइज ये एक नया सोल्जर्स, और गाइज टेम्पल्स, मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि ये टेम्पल्स, मुझे एक एक्स्ट्रा एजेंट्स को भी मारना होगा, और मुझे लगता है गाइज ये वही एक्स्ट्रा एजेंट था, अब पता नहीं ये वही एक और भी हो सकते हैं। और गाइज हमारा नेक्स्ट मिशन है फाइंड एंड लूट द चेस्ट। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा मेन टारगेट एक चेस्ट भी है जिसे हमें लूटना है। अब गाइज उस चेस्ट की आप लोकेशन देख सकते हो हमारे सामने है, जो कि येलो मार्क आ रहा है सामने, बट गाइज वहाँ पर तीन या चार कम से कम गार्ड्स है। अब गाइज इनसे पंगा लिया तो हो सकता है हमारी बैंड बच जाए, बट गाइज ट्राई करेंगे इन्हें साइलेंटली मारने का, बट लगता नहीं। और गाइज इससे तो साइलेंटली मार दिया, बस इसके पास वाला गार्ड मुझे लगता है अलर्ट हो जाएगा, और गाइज उसने हमें देख लिया है, बट कोई नहीं गाइज जब तक वो आएगा हम उसे मार के कंप्लीट कर देंगे। वैसे गाइज अभी हमारे पास एक नॉर्मल सी तलवार, और गाइज ये भी सोल्जर्स इतने पावरफुल नहीं है। और गाइज सामने आप देख सकते हो हमारा चेस्ट पड़ा है, अब इस चेस्ट में जाते हैं और लूट के देखते हैं। और गाइज ये वहाँ कहाँ जाने लग गया हमें, अरे यार चेस्ट तो पीछे। और गाइज देखते हैं चेस्ट में से हमें क्या मिलता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कोई स्पेशल इक्विपमेंट मिल जाए, बट देखते हैं क्या मिलता है। और गाइज क्या मिला है अभी गाइज समझ ही नहीं आया मतलब, और तो गाइज आप देख सकते हो चेस्ट में से पता नहीं क्या मिला है, बस हमारे एसेसिंस ने लिया और जेब में डाल लिया, मुझे लगता है इसे पैसे मिल गए हैं गाइज, बट ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं क्या मिला गाइज। ये चेस्ट हमारे लिए नहीं थी, मतलब हमारे मिशन के लिए थी। और गाइज ये बता रहा किल द एजेंट्स, और गाइज मैंने जैसा कि आपको बताया था ना हमें एजेंट्स को भी मारना है, तो गाइज तीन स्पेशल एजेंट्स हैं जो कि गाइज हमें मारने हैं। और गाइज आप जैसा कि देख सकते हैं इनकी मतलब, और गाइज ये लेवल 4 का एजाइल, मतलब हमने किस किस को मार दिया गाइज, क्रो को मार दिया, एलाइट सोल्जर्स को भी मार चुके हैं, मिलिटिया को भी मार चुके हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरी के सोल्जर्स अभी हमें मिलने वाले। और गाइज मुझे लगता है आर्चर्स वगैरह वगैरह स्वॉर्ड्स बहुत सारे मतलब सोल्जर्स हमें हर टाइप के मिलने वाले। और गाइज क्रो हमें मिल ही चुके थे, इस बार हमें वेयरवुल 4 मिलेंगे जैसा कि मिशन में पहले शुरुआत में बताया था। बट अभी गाइज हम चलने वाले हैं और इन तीन सोल्जर्स में से, और गाइज ये रहा मेन सोल्जर जिसे हमें किल करना है। वैसे गाइज देखते हैं ये कौन सा सोल्जर्स, और गाइज ये एक एजेंट है जो है लेवल 4 का, वैसे हमें स्पेशल एजेंट्स को मारना था और गाइज वही स्पेशल एजेंट्स ये है। और गाइज एक को हमने मार दिया, और गाइज ये देखो लेवल 4 का ब्रूट, मतलब सोल्जर देखो कितना ओपी लेवल का, मतलब क्या आर्मर वार्मर पहन रखे एकदम प्रो लेवल का। बट कोई नहीं गाइज अभी हमारे स्पेशल हमने इसे मार डाला, वैसे ब्रूट है बट हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि गाइज हम ब्रूट के भी ब्रूट है। बट कोई नहीं गाइज ब्रूट के लिए हम ब्रूस बैनर है, अभी ब्रूस बैनर जितना बड़ा शरीर तो नहीं है, बट गाइज पावर और दिमाग की बात करें तो उतना ही है। अभी गाइज चलते हैं और नेक्स्ट एजेंट को मारते हैं, वैसे तीन एजेंट्स को मारना, बे यार ये सोल्जर्स किधर किधर से देख लेते हैं, पता नहीं गाइज इन्होंने भी ईगल विजन चालू कर रखे। और गाइज सामने वो स्पेशल एजेंट्स आ रहा है, और गाइज अब इसकी बैंड बजाते हैं, और गाइज इन्होंने तलवारबाजियां भी सीख ली है, मतलब आजकल मेरे अटैक को सीधा डिफेंड कर लेते हैं, मतलब डिफेंड कर लेते हैं एकदम, रोक के रख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे पता नहीं रोकने को, बट कोई नहीं। अबे यार ये सोल्जर्स गाइज पता नहीं कितने सोल्जर्स को पैसे दे रखे हैं, मतलब पैसों की गाइज कमी नहीं है, इसलिए अनाप शनाप के सोल्जर्स भर रखे हैं। बट कोई नहीं गाइज सोल्जर्स कितने भी हो हमसे पंगा लेने वाले की तो हम बैंड बजाने वाले हैं। और गाइज सामने सिर्फ एक एजेंट बताया, और वैसे गाइज अभी तक वेयरवॉल्फ नहीं मिले, मुझे लगता था मिलेंगे बट अभी तक तो नहीं मिले, पता नहीं मिलेंगे अभी या नहीं मिलेंगे, और गाइज कहीं मिशन कंप्लीट ना हो रह न जाए। और गाइज लेवल 4 के वॉल्फ नाम लिया, और गाइज यही वॉल्फ मिल गए, अबे यार। और गाइज इतने पावरफुल तो नहीं है, बट गाइज देखने में इनका जो लुक है गाइज वो बहुत ओपी वाला है, मतलब ये एक सोल्जर है, बट गाइज इन्होंने ड्रेस पहन रखी है वोल्फ की, जैसा कि वो क्रो था वैसे उसकी कैटेगरी क्रो थी, वैसे इनकी कैटेगरी है वोल्फ्स। अब गाइज
वोल्फ्स आ गए हैं तो लोइन भी आएंगे, पता नहीं क्या क्या आने वाला, कहीं डायनासोर भी ना आ जाए। बट गाइस डायनासोर नहीं आएंगे, अभी हम सीधा चलने वाले हैं। कहाँ चलने वाले हैं? सीधा, हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है गाइस, अब हमें एस्केप फ्रॉम द एरिया। अब गाइस एरिया को हमें एस्केप करना है तो करेंगे, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिल गया तो क्या मिलेगा। बट गाइज अभी देखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पास में से ये जो रास्ता है इसे कहीं ऑप्शन मिल जाए। बट गाइज यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता वो देखते हैं। वैसे देखा जाए तो और गाइज इस आर पार नहीं जा सकते क्योंकि गाइज ये हमारा मेन का मेप एरिया है, मतलब जो कि हमारा जहाँ तक हम मिशन कंप्लीट करते हैं वहीं तक का एरिया है, बाकी लॉक हुआ हुआ रहता है। बट कोई नहीं गाइज, अभी हम यहाँ से सीधा निकलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए। वैसे गाइज ओपी वाले स्ट्रक्चर है, मुझे तो लगता है इन्हें एंशिएंट विभाग को सौंप देना चाहिए कि हाँ भाई तुम इनका ख्याल रखो। और गाइज अब हम बनने वाले अपने दीवार वाले नॉर्मल मेन, जो घरों की दीवारों पर चलते थे। बट कोई नहीं, अभी हमें यहाँ से कूदना पड़ेगा और गाइज सीधा निकलते हैं इससे। और पता नहीं गाइज कितनी दूर जाना पड़ेगा। वैसे गाइज दिखा तो रहे हैं कि 126 मीटर पर और 100 मीटर से हम चल चुके हैं, तो गाइज मुझे लगता है सामने से कूदना पड़ेगा और हमारा मिशन यहीं कम्प्लीट होने वाला है, बस यहीं जाना है हमें। बाय द वे, और गाइज हमारा बंदा कूद गया, पता नहीं सुसाइड कर लिया या कूद गया। वैसे गाइज मिशन सिंक्रोनाइज्ड, मतलब मिशन कंप्लीट हो चुका है। और गाइज इस मिशन का नाम था एनएसएसएन सर्विक्वियम, वैसे मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लास्ट में बता देते हैं, ये अपन का स्टाइल है। वैसे गाइज हमारा ऑब्जेक्टिव और चैलेंज दोनों कंप्लीट हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपको यहाँ पर हर प्रकार के कंटेंट गेमिंग के से रिलेटेड मिल जाएंगे, कि नए लॉन्च होने वाले गेम्स, नए और अलग गेम्स, टॉप 5 गेम्स और अलग प्रकार के गेम प्लेज। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।